100 दिन पूरे किए तो पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखाई दिया। आने से सैकड़ों कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मुख्यमंत्री आवास पर अभिनंदन के लिए पहुंचे। आने के लोगों ने हिमाचली अंदाज में गाजी बाजे के साथ सरकार के 100 दिन पूरे होने की खुशी जाहिर की। जन सैलाब की अगुवाई कर रहे सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर और आने से कांग्रेस नेता बुद्धि सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों को विश्वास दिलाया कि बजट में लाई गई योजनाओं से लोगों का जनजीवन आसान होगा। हमारी सरकार ने पिछले कल बजट पेश किया, वो आम आदमी का, गरीब आदमी का, मजदूर का बजट पेश किया है। हमने अपने बजट में कई योजनाएं लाई है, निश्चित तौर पर इसका फायदा आने वाले समय में हम लोगों को होगा। और गरीब बच्चों के लिए भी हम एक योजना लेके आए कि जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बड़ी पढ़ाई भी करना चाहते हैं, तो उनको 1% ब्याज की दर से हायर एजुकेशन के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एडमिशन के लिए अभी इधर उधर पैसों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, उनको पूरा उसका सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आने के लोगों को भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही आने का दौरा करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने फिर से कर्ज की बात को दोहराते हुए कहा कि भले सरकार को पिछली सरकार से भारी भरकम आर्थिक बोझ मिला हो, लेकिन प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हमारे पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमें आर्थिक कंगाली के इस दरवाजे तक पहुँचाया, हम उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि 4 साल बाद हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, अर्थव्यवस्था पर विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। विकास के लिए हम जहां से भी धन लाएंगे, हिमाचल की जनता को कोई कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के आश्वासन से लोगों में खुशी साफ नजर आई। सरकार जहां 100 दिन पूरे होने पर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं आम जन सरकार के फैसलों में अपने लिए राहत और समृद्धि की आस देख रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।